पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि सीन में हम देख रहे हैं, काफ़ी पोस्टर फट रहे हैं, आपको डांट भी पड़ रही है, तो ऐसा क्या होगा कि आपको पोस्टर फाड़ना पड़ गया? देखिए, मैं कल्याणी जो है वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर चुकी है कि अनमोल का सच जो है वो मृदुला के सामने आए, तो उन्हीं कोशिशों में से एक छोटी कोशिश ये भी है। अब ऐसे में पोस्टर फटना, टूट तोड़ फोड़ होना, गुस्सा वुस्सा आना, ये तो सब आम बात है, छोटी सी बात है कल्याणी के लिए। तो कहीं ना कहीं डांट भी पड़ रही है आपको इस तरीके से सीन में हम जैसे कि देख रहे हैं। अब देखिए, जो कान का कच्चा होता है ना, उसे समझ में नहीं आता, वो किसी ने ज़रा सी कोई बात कही उस पर विश्वास कर लेता है। तो मृदुला जो है दिखने में चाहे कितनी भी चंड चालाक दिखती है, लेकिन वो दिल से भूल है, वो अनमोल जो कि तेवर बनी हुई है उसकी बातों में उलझ गई है, उसके जाल से मैं निकाल रही हूँ और मृदुला समझ नहीं रही है, इसलिए मुझ बिचारी को ही डांट खानी पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये है कि आप वो चीज़ जानती हैं बट सामने वाला है जो नहीं जानते, आप उसको बताने की कोशिश कर रही हैं, यही एक्चुअल देखा जा रहा है। यही सच्चाई है। ओके, शो की बात करें, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, तो किसी फैन ने आपको कमेंट्स वगैरह कुछ दिए हैं ऐसे कैरेक्टर के ऊपर इंस्टाग्राम पे या कहीं सोशल मीडिया पे ऐसा? मोस्टली क्या है ना, जहाँ पर हम शूट करते हैं यहाँ पे इतना नेटवर्क तो आता नहीं है, तो और जब हम शूट करके घर जाते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि हम सोशल मीडिया पे इतना रह सकें और वो कमेंट्स पढ़ सकें। कोशिश करती हूँ, कुछ फ्रेंड सर्कल और कुछ घर वाले बताते हैं कि काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कल्याणी बुआ के लिए तो वो सुनकर देखकर अच्छा लगता है कि आप अपना जो किरदार निभा रहे हैं हम लोगों को पसंद आ रहा है। ऐसे किरदारों के लिए तो जितनी नफरत ऑडियंस करती है उतनी ही उस किरदार की जीत होती है। हाँ, तो मुझे अच्छा लगा। ऑफ स्क्रीन की बात करें, ऑन स्क्रीन तो आपको बहुत सारे चुटबुली टाइप है, लेकिन ऑफ स्क्रीन किस तरीके का है, मतलब ऐसे काफ़ी अपोजिट है आप? आई डोंट नो, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ कल्याणी से, क्योंकि मैं बहुत डाउन टू अर्थ, ऐसा लगता है मुझे कि मैं बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने साथ वालों के साथ कभी भी इस तरह से मतलब कोई एटीट्यूड रखना या नहीं, जबकि कल्याणी में बहुत एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड के साथ, वो अपने भाई के साथ भी, बाकियों के साथ भी, फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत एटीट्यूड के साथ रहती है, और उसके अंदर एक अमीरी की जो है ना वो बहुत ज़्यादा घमंड है उसके अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि मुझ में ऐसे है। बाकी तो मेरे फॉलो एक्टर्स या जो भी मेरे को एक्टर्स हैं या जो मेरे साथ काम करते हैं या मेरे साथ रहते हैं पूरा दिन, वो ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। हाँ, कभी कभार नॉर्मल इंसान हो तो नॉर्मल इंसान की तरह मुझे भी कभी कभी तो गुस्सा आता है, लेकिन ऐसा नहीं जैसा कल्याणी को आता है। लास्टली, अपने ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वेल, मैं अपने सभी ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों ने जो अब तक कैसा है ये रिश्ता अनजाना को और इसमें दिखाए जाने वाले किरदारों को प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आपने देखा है कि काफ़ी हम लोगों को सराहा भी गया है, दंगल चैनल पे भी सराहा गया है, उस प्यार के लिए हम लोग हमेशा एहसानमंद रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा लालची मैं ज़रूर हो रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि आप ऐसे ही अपना प्यार हमें सालों साल देते रहें। थैंक यू सो मच।